Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. Welcome, students. Today we shall learn an amazing chapter of our subject, EVS2. Maratha Sardar, Bhoslo ka Parakrami Gharana. बच्चों, पिछले पाठ में हमने देखा कि संतों ने किस प्रकार महाराष्ट्र में जन जागरण का कार्य किया। इस पाठ में हम मराठा सरदार भोसलों का पराक्रमी घराना अर्थात कुछ मराठा सरदार से आपका परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले उस समय अस्थिरता का समय था। अस्थिरता अर्थात हमेशा संशय वाली स्थिति, जहां पर हमें एक जगह ठहरने का कोई निश्चित स्थान ही न हो, कब कहां पर पलायन करना पड़े, कहां पर जाना पड़े, इस तरह की स्थिति थी उस समय। तो संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। यह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था, अर्थात जनता यह दुविधाग्रस्त थी, संशय की स्थिति में रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे जिससे वो परेशान रहती थी। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था और युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी, तो इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे, क्योंकि मराठा ही यहाँ के मूल निवासी थे। वे बहुत ही सक्रिय और शूरवीर होते थे, साहसी और स्वामी भक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उन्हें बहुत गर्व की बात लगती थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था, और जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। जागीर अर्थात कुछ जमीन का भूभाग, कुछ गांव, कुछ तालुका, जिसे उस जागीरदार को सौंपा जाता था उस जागीर की देखभाल करने के लिए। तो इस प्रकार बीजापुर और अहमदनगर के जो सुल्तान होते थे उनके दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे कि सिंधखेड़, ये स्थान का नाम है, सिंधखेड़ के जाधव, फलटण के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंधखेड़ के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे, अर्थात उनके जो पूर्वज थे वो यादव थे। तो शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई ये सिंधखेड़ के लखूजी जाधव की बेटी थी। तो अब आपको यहाँ पर अपने शिवाजी महाराज की माँ अर्थात जीजाबाई के पिताजी लखूजी जाधव से परिचित कराया गया। ये सरदार बड़े शूरवीर होते थे, परंतु इनमें आपस में भी बड़ी शत्रुता होती थी। ये लोग एक साथ मिलकर आपसी हित के लिए कुछ करना चाहिए ऐसा विचार नहीं करते थे। यही कारण था कि उनकी ताकत, उनका शौर्य ये उस समय के सुल्तानों के काम आता था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी, अर्थात अपने देश के लिए अपने प्राण को न्योछावर करने की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा के भोसले का घराना बहुत ही बहादुर निकला। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक शूरवीर हैं, ऐसे अनेक सरदार हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी का नाम लेना असंभव है। तो हम अब एलोरा के भोसले से आपको परिचित करवाते हैं। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है,
एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का एक सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। जीर्ण अर्थात एकदम टूटा फूटा। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा, उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। इस तरह की अवस्था उस समय थी। लेकिन ऐसी अवस्था में भी एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई, उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। कौन था वह, किसने किया यह सब? यह महान कार्य किया एक शिव भक्त जिनका नाम था मालोजी राजे भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले एक महान शिव भक्त थे और विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे, और ये दोनों एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। बाबाजी राजे के दोनों बेटे मालोजी राजे और विठोजी राजे ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और शूरवीर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे और यह समय बड़ी अस्थिरता का था, क्योंकि उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था और उस समय दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहाँ पर मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था, अर्थात वहाँ की देखरेख करता था। वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था, अतः उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परगनों की जागीर दे दी, क्योंकि ये सुल्तान हमेशा इस ताक में रहते थे कि जो मराठा सरदार शूरवीर हो, जिसके पास हथियार हो, सैनिक हो, उन्हें हम अपनी सेना में शामिल कर लें। पुणे और सूपे परगनों की जागीर मिल जाने से भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी और वे फलटण के निम्बालकर घराने की थी। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीर गति पाई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब बचे उनके भाई विठोजी राजे। विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखूजी राव जाधव के बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। अब आपको दोनों घराना समझ में आ गया होगा, भोसले और जाधव, अर्थात शाहजी राजे का विवाह जीजाबाई के साथ होने का प्रस्ताव तय हुआ और लखूजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई बहुत ही सुलक्षणा थी, अर्थात सर्वगुण संपन्न थी। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखूजी राव ने स्वीकार कर लिया। लखूजी राव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे और उनके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान भी था। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया।
और इस तरह जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। अब थोड़ा सा परिचय हम शाहजी राजे के बारे में देख लें। निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे पराक्रमी तो थे ही, निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान भी होता था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया, अर्थात दो दुश्मन एक हो गए। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे ये दोनों मिलकर दृढ़तापूर्वक लड़े और दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित कर दिया। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ और इस युद्ध में शरीफ जी को वीरगति मिली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, किंतु शाहजी राजे ने वीरता का परिचय दिया, अतः उनको शूर सेनानी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्ति हुई, ख्याति प्राप्त हुई। इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद पूरे दरबार में शाहजी राजे की प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिससे मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा, अर्थात द्वेष करने लगा, और इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बैर बढ़ता गया। अतः शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी से सम्मानित किया, सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचा पद सेनापति का, इस पदवी से उन्हें सम्मानित किया। कालांतर में अर्थात कुछ समय के बाद निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल मच गई, क्योंकि वहां का वीर सिपाही आदिल शाही में चला गया। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। मलिक अंबर का पुत्र फतेह खान बहुत ही धूर्त दुष्ट स्वभाव का था। अब वह निजाम शाही का वजीर बन गया। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा, अर्थात नाश होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय भी उत्पन्न हो गया। निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। तो इस पाठ में मुख्यतः हम दो महत्वपूर्ण घरानों से परिचित हुए, एक भोसले और एक जाधव। इस पाठ को समझने के लिए रिश्तों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बाबाजी राजे भोसले, इनके दो पुत्र मालोजी राजे और विठोजी राजे। मालोजी राजे की पत्नी हुई उमाबाई। अब मालोजी राजे के दो पुत्र शाहजी और शरीफ जी, जिसमें से शाहजी की पत्नी थी जीजाबाई, और शाहजी और जीजाबाई के पुत्र हुए शिवाजी राजे। फिर शिवाजी राजे के दो पुत्र हुए संभाजी राजे और राजा राम राजे। अब है स्वाध्याय। कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा के डैश बहुत ही बहादुर निकले। उत्तर है भोसले। दूसरा, बाबाजी राजे भोसले के मालोजी राजे और डैश दो बेटे थे। उत्तर है विठोजी राजे। तीसरा, डैश निजाम शाह का वजीर था। उत्तर है मलिक अंबर। प्रश्न दो है, रिश्ता बताओ। मालोजी राजे विठोजी राजे ये हैं भाई भाई। शाहजी राजे लखूजी राव जाधव ये हैं दामाद और ससुर। शाहजी राजे और शरीफ जी ये दोनों भाई भाई। बाबाजी राजे विठोजी राजे ये हैं पिता और पुत्र। आगे दो आपको बताना है, बाबाजी राजे शाहजी राजे।
मालोजी राजे और जीजाबाई। उचित जोड़ियां मिलाओ, सिंधखेड़ जाधव, फल्टण निम्बालकर, जावली मोरे, मुधोल घोरपड़े। प्रश्न चौथा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पूरे पाठ को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला, कृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? दूसरा, निजाम शाह ने मालोजी राजे को किन परगनों की जागीर दी? तीसरा, निजाम शाही को बचाने के लिए कौन वीरतापूर्वक लड़े? चौथा, आदिल शाह ने शाहजी राजे को किस उपाधि से सम्मानित किया? पांचवा, शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाही में क्यों लौट आए? Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.